लेकिन मैं बउआ बोल रही हूँ। किसको लगाया फोन, किसको लगा? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे दो डोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटो? अरे मर रहा है तू, मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे हैं। एक सेकंड, क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? इज्जत से बच के दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे भाई मुझे गंदा बोलिए, इससे छपीनी को बोलिए। अच्छा बात बताओ, बात क्या हुई? बात क्या हुई? देखिए हमारे मकान मालिक है अवाना जी, अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे देता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक और देख किराया देता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो दे गई तुमको। क्यों? वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूँ, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको। और क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे आवाज तो है इसकी, आवाज पे नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज वाले, किराया दे नहीं रहे हो ज्यादा, वो बकर रहे हो वहाँ पे। भाई जब आप, मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया, मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय, अरे अजय फोन रख साले, तू लड़के। अरे आप अजय, आप एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर वाला देता है ना छप्पड़ फाट के जींच वाले को। आए आए मैं मर गया। हेलो, तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना है, इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप अजय अजय जी। हेलो हेलो। ओ कौन कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रही हूँ। बउआ कौन? ऐसी गाते गाते बोलती हो, नॉर्मली नहीं बोल सकती। कौन बोल रहा है? सॉरी सॉरी लेडीज, हाय, लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। बोलो क्या काम है? मैंने कुछ क्विज सॉल्व कर दिया था, पेपर में आया था। अच्छा बोल। बोल, तेरे बोल में अपनापन लग रहा है। बात करने करो नहीं तो फोन। अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी, सुनिए, अकल बड़ी अब भैंस, इसी पे ये मेन मुद्दा है। मैं किसी से बात, अकल बड़ी है, ठीक से बोलना तो बोलिए, वरना मैं और भी लोगों को फोन कर सकता हूँ। ओ एहसान कर है क्या, फोन से ही थप्पड़ मारूंगी। वायलेंट हो जा रही है तू, मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, ठीक है? सॉरी। हेलो हेलो। हाँ तो अकल बड़ी है भैंस, अकल सोच ले। मुझे पता है अकल बड़ी है। अकल बड़ी है, भैंस तो दूध देती है, अकल दूध देती है। अरे देखिए दूध पी के आदमी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की अकल बड़ी होती है। हंस रही हो? I think you are also enjoying ladies। अकल ही बड़ी है। अकल, फिर भी अकल बड़ी है ना। हाँ। एक और बात बता, अकल को तू अपने सर पर लेके घूमती है। हाँ। भैंस को सर पर लेके घूम सकती है? और इसलिए नहीं घूम सकती क्योंकि भैंस बड़ी होती है, फिर भी अकल ही बड़ी है, तुम मानोगे नहीं। एक बात बताओ। हाँ? एग्जाम में हाँ? तुमने किसका इस्तेमाल किया है? अकल का। तभी आज तू पीछे रह गई, मुझे देख मैं कहाँ से कहाँ, मैंने भैंस का इस्तेमाल किया। कैसे किया भैंस का? भैंस का इस्तेमाल देखो, जब बच्चे पेपर लिख रहे थे मैं भैंस लाया और चुपके से मास्टर साहब के पीछे छोड़ दिया। अच्छा। भैंस मास्टर को दौड़ा ली, तब तक मैंने फटाफट कॉपी कर लिया। अब बता अकल बड़ी है भैंस? अच्छा तेरे लिए ना भैंस ही बड़ी है। अच्छा तू उसी में खुश है ना? हाँ मैं उसी में खुश हूँ। लड़कियाँ मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करती है? फोन में से जूता मारूंगी। सॉरी। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ। कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। ग्रेटर नोएडा में? ब्रॉसर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रॉसर्स की मीनार। मतलब मीनार मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा आगे बोल। अच्छा नहीं सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा। हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह देते हैं हम आपको भी घर दें। हाँ बता क्या फिर घर में खासियत क्या नहीं होती? हाँ घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। अच्छा। गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा। टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ नहीं डाला है।
क्या नाम है घर का? गज का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन, और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा, तो जिससे क्या है, सुनिए आप, हाँ। आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात मेरे आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रही है पता है? आप बता क्यों कर रहे? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं हूँ, समझ कर नहीं गलत है। आप घर ले लीजिए, इसके कई फायदे, आप सुनिए तो। हेलो, कल को आपकी शादी अगर होगी ना तो औकात में होगी। कल को अगर सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? आप समझ नहीं रहे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में ब्रॉसेट्स की मीनार बन रही है, ठीक है? ब्रिजेश की नहीं है, ब्रॉसेट्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप, जिससे कहना आप औकात से बाहर जाएंगे नहीं, उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल अगर उस होटल में जाओगे तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा, अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर दे दो, ठीक है? अंकल, आपके माता पिताजी हैं? हाँ, हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता है कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप बताइए? हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए आप, सही बोला। अपनी औकात मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? लठ पे लिख रहा हूँ औकात। लठ पे औकात लिख रहे हो? तेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। गलत बात अंकल। भाई आज बउआ को फोन आया अना का, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ नहीं, नमस्ते अंकल, अंकल, अंकल। नमस्ते, पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें, आपसे मुझे सिर्फ दो मिनट की जरूरत है। एक मिनट मेरी बात सुन, दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है। करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है, इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है, मेरे साथ में एक हेल्पर है। लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ बउआ है, और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद, अनुवाद चंद है। तू है, समझ गया? आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। ऐसे कहीं होता है ये? क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा अनुवाद। देखिए, मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है, गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है ट्रू कॉलर? हाँ, मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने? एक सेकंड अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊँ तेरे को, एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, फिर भी उसका नाम लिखाएगा? जब मैं पहचानता नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोंपू बता रहा? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा तेरे। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी गलत मत भगा इसको, अगली बार से गलत फोन मत उठाना। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ बउआ, और ये अनुवाद चंद, और तू भोपू। थैंक यू, चुप हो जा। भैया आज राजेश जी ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। भाई इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, एक सेकंड रुकिए, रुक जा बाबू। हेलो बाबू, फोन लग गया है। ओके ना, हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते
एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ जी बोलो बोलो। आपको आवाज आ रही है? बच्चे को फोन से दूर करो ना। बच्चा दूर ही है लेकिन उसकी आवाज तेज है इसलिए नजदीक आ रही है आवाज। बोलो भैया जल्दी बोलो। ये बच्चा प्यार का भूखा है। अच्छा अच्छा नहीं बच्चा। अच्छा फिर अच्छा। अरे बहरे मैं बच्चा ही बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी एक सेकंड, ये बच्चा मेरे से संभलता नहीं है। आप जरा दो मिनट इससे बात कर लो, इसका मन बहला दो, मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ किचन तक। मैं ही मिला था अकेला, कोई और कहीं इसको बात छोड़ा ना। नहीं बाहर नहीं छोड़ना है ना, बच्चा है ना। अरे बाबा क्यों तंग कर रहे हो यार? तंग नहीं कर रहे, आप दो मिनट अगर बात कर लो चलेगा? प्लीज दो मिनट। फटाफट करा, फटाफट कर। आप इसको बहला के रखना और प्यार से बात करना बाबू। आप बात कर लो, मैं गर्म पानी लेके अभी आया। ओके बाय। हेलो 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 बेटा बोलो। बोलो बेटा। बेवकूफ झल्ले कुछ तो बोल। झल्ला हुआ तेरा बाप, साले मारूंगा कान के नीचे दो रपेड़। मार के दिखा दे मैं तो तेरे में। तू कहाँ पे है साले? वहीं आके मार तो तेरे। तू कहाँ पे है? तू भी यहाँ तक ना पाएगा, तू कभी स्कूल तो गया नहीं यहाँ का। शर्म ना आती बच्चे को मारेगा तो इतना बड़ा सांड हो रहा। फिर खोल दूंगा तुरंत। क्या हो रहा है? पानी, ये गर्म पानी लो। अंकिल हेलो। हाँ जी कौन था ये? क्या हुआ बच्चे ने बड़ी सांड धोनी किया अंकिल? ये बच्चा नहीं ये बड़ा। ये गंदा नहीं बोल रही आप? किसी नहीं बोलने का। ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, क्या बकवास करे? बोल पाता ये प्यार का भूखा है। प्यार का भूखा नहीं, पिटाई का भूखा है ये। एक सेकंड रुको, मैं इसका दूध चाहो, दूध लाना भूल गया मैं। इसके दूध में तेल लगा के। एक आप जरा दो मिनट और बात करना, मैं दूध लेके आता हूँ। ओके बाय। हेलो 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 कौन आ गया वापसी? ऐसा है गाली बिल्कुल मत दे। बिल्कुल मिलेगी गाली भी, तेरी काफी पड़ेगी। तू हाथ लगा के दिखा, पता तेरा बाप है वो? मैं उसका बाप हूँ। मैं बोल ना पा रहा ढंग से। उसको बुला, बताता बुला उसको, तेरे जैसे 36 आम है। चल एक सेकंड, मैं दूध लेके आ गया। दूध लेके बेटा पी लो दूध। क्या हेलो? क्या हुआ, कुछ बोला इसने? अरे बहुत कुछ बोलता रहा। आप बड़ी प्यार का भूखा है ये। हेलो बेटा। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल। बोलो भैया। दो मिनट चाहिए थे अंकिल। अरे बोल, कौन रहा है? अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। आदमी के जो अकल है ना। हाँ अकल। वो बादाम खाने से नहीं आती। फिर कैसे आती है अकल? धोखा खाने से आती है। हेलो सुनिए, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। किसका सामान? सामान नहीं, उस्मान। हाँ बोल उस्मान। तुम मान गए मैं उस्मान बोल रहा हूँ? तब तूने तो बोला अपने मुँह से कि तू उस्मान बोल रहा है। नहीं मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपको धोखा दे रहा था। चाटा मारूंगा। सर जी आपको ये बात साबित करनी थी कि इंसान के दिमाग, हेलो, बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। अबे बादाम तू खा तेरे में। हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ। अरे मेरे को पता तू बउआ बोल रहा है। बउआ तेरे धोखा खाने से अकल आ जाएगी, अब तू पहचान गया कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तू बउआ ही बोल रही है। सुनिए, मेरे ना चिवड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। चिवड़ी मोहल्ले में? नहीं नहीं मैं तो आपको धोखा दे रहा था यार, कोई दुकान नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, तेरी अकल बढ़ाने के लिए धोखा खिला रहा था। पागल साले, मैं गुस्से मारूंगा अगर तुम्हारा फोन आ गया। तुझे तेरा कॉलर ट्यून याद दिलाता हूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मोहब्बत बरसा देना आया। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। शुल्क लागू। मोहब्बत बरसा देना तू। अरे ओ धोखे की औलाद, मांग मत खराब कर मेरा फोन, में से गुस्के मारूंगा सारे तेरे को। हेलो कौन बोल रहा मैडम? किसको गंदा बोल रहे, तू गाली दे रहा? अरे मैडम मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला? आपको सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे इस नंबर से फोन कर रहा और वो बोल रहा है कि धोखा खाने से अकल आती है। बादाम खाने से नहीं? बादाम खाने से नहीं। ये आपको भी फोन आया? ओ मेरे को भी फोन आया मैडम। अच्छा उस्मान ने फोन किया? उस्मान ने चिबड़ी मोहल्ले में? उस्मान उस्मान कोई नहीं है, वो बउआ बोल रही है। ओ मतलब आपके भी अकल आ गई धोखा खा के? मतलब मैं और बउआ, एक सेकंड, साथ में हम लोग फोन। बउआ? हाँ जी हम लोग साथ में फोन करते हैं। बउआ नहीं उस्मान, उस्मान बोल रहा हूँ। हेलो दोनों के। हेलो उस्मान बोल रहा है चिबड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान। स्मृति कह रही थी रौनक, अक्सर लोग बड़ी बड़ी बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो जान पे भी खेल सकता हूँ, तो क्या इसी पे आप बउआ बन के कुछ मजे ले सकते हो? ये सुनिए, आपने बोला तो बउआ बन गया। हेलो। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते कौन? अरे बउआ वो डो दी और आप मुस्कुरा दे, बउआ बोल, तुम रो नहीं यार। कौन रो रहा है? यार ये मेरी धर्म गर्लफ्रेंड है।
किससे बात करनी है? बात सब करूंगा लेकिन क्या प्यार मोहब्बत में नहीं होता? नहीं होता है ये सब। तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूँ। क्या देना है? लेन देन नहीं हो रहा है कोई। अच्छा, हमको क्यों फोन मिलाया भाई? अच्छा, आप थोड़ी मदद कर देंगे ना? भले मानुष लगते हैं आवाज से, जानता हूँ नहीं है पर... अरे क्या नहीं है, भले मानुष है। ए सॉरी, हेलो, लाओ जरा, लाओ बात करो। हाँ, बात कर दी आप। ए लेडीज, मैं गैर मर्द से बात कर लूँ? अगर तुम रिचर्ड से बात करोगी तो रिचर्ड गैर मर्द होगा। प्लीज स्टॉप योर जोक्स। ओके सर, यार ड्रामा लगा रखा है। इसे, ये मेरे से बोलता है मेरा हबी बहुआ कि आओ तुम यहाँ पे लेट जाओ। भैया ये आपका प्राइवेट मैटर है, ये क्यों मतलब? नहीं, आगे सुनिए सुनिए, मेरे को पेट पे लेटा देता है, ये मेरी नाभी है ना, नाभी 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 और उसके बाद डंडे से जो जोर से मारता कहता गिल्ली उड़ गिल्ली उड़। अरे भैया गिल्ली बात कराना जरा। हेलो, हाँ जी बात कर दो बउआ। चुप दो तुम डोनी बउआ। हाँ जी अंकल। क्यों भैया, ये तुमको मैदान वैदान नहीं मिलता क्या? आप जो गिल्ली डंडा वहाँ पेट पे खेल रहे। आप देखो, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन। गर्लफ्रेंड को आप क्या बुलाते हैं प्यार से? बिट्टू बुलाता हूँ, बाबू बुलाता हूँ, सोना बुलाता हूँ, जानू बुलाता हूँ। सोना जानू? जानू का मतलब क्या है? जो अपनी दिल हो जानू। जान, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये गर्लफ्रेंड भी मेरी जान है, इसीलिए मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अरे यार, तो जान है तो उसके पेट में क्यों गिल्ली डंडा खेलते हो सर? इसी को तो कहते हैं जान पे खेलना। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, फोन काट रही है आप, सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है? आपको कोई बात करनी है? मैं कह रहा था चिड़ियाघर बताइए, मेहमान आते होंगे, चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है? चाय बनाने के लिए आप बता क्या है? चाय का कौन तो जो सॉरी। आप बताइए चाय कैसे बनती है? पैन में लीजिए, पानी उबालिए, ठीक है, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए, दूध डालिए, और उबलने के बाद छान के गैस को दे दीजिए। हाँ, गैस को दे दीजिए। गैस तो जलाई नहीं, उबलेगी कैसे लेडीज? गैस चलानी भी मैं बताऊंगी क्या? गैस उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है, जिसके वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है, सोचिए क्या? इलायची। बड़ा इलायची नहीं, नहीं, हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज क्या थे मतलब? इतिहास में पढ़ा है, बंदर थे। What do you mean? तो आपने फोन क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे, और उस बंदर के वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊँगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना? मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आपने? I get you. What get you? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है, इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा, उससे अदरक लूंगा, घर जाऊंगा, चाय बनाऊंगा, मेहमान को पिलाऊंगा, बात खलास। मुझे आपके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। दे, आपने आप देखा है? पैदा हुए आप? पैदा छोड़ो, आपने अभी तक देखा ही कहाँ है? और हेलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेडीज, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, समझी? डाउनलोड हुआ हूँ, डाउनलोड। आप सॉरी सॉरी, आई कांट टॉक टू यू, प्लीज, आई डोंट हैव हेलो टाइम। शुल्क लागू। सुना सुना लम्हा। हेलो, व्हाट अ कोएक्सीडेंट, बउआ बोल रही हूँ लेडीज। हाँ जी बोलिए। बेपना प्यार। अच्छा, आपको अच्छा लगा? किससे बात? मैं जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम BCBL। ओके, BCBL की फुल फॉर्म बता दो पहले। बउआ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आई एम दी ओनर, चेयरमैन, व्हाट एवर यू कॉल। 2 मिनट है? हाँ हाँ, 10 मिनट है, बताइए। मैं आपकी जगह होता फोन काट दिया होता। अच्छा ठीक है, चलो रखो। हाँ, ओ वाह। इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाओ। सुना सुना
अरे अब क्या हो गया? जब कॉलर ट्यून में पड़ा है सोना। हाँ जी। हमारे बैंक ने एक नई स्कीम निकाली है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ मुझे ऑफिस के लिए। ऑफिस जाना है। आपका जो पैसा है जी वो 32 गुना हो सकता है आगे। ओहो। उसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बता दूँ, आपको लेट हो रहा है ना। जल्दी 100 रुपए का नोट अपने हाथ में ले लो। अब देखिए 100 रुपए का 3200 कैसे होता है, ध्यान से ठीक है। 100 रुपए का नोट लेके उसका एक कोना पकड़े। अच्छा पकड़ लिया। कोने से 100 रुपए को धीरे धीरे मोड़े, रोल करें। अच्छा रोल करें, रोल कर लिया। करते रहे और करती रहे। कर लिया और कर लिया। थोड़े दूर जाके कर। मैं बहक सकता हूँ। अरे नहीं बहको, जल्दी बोलो। तो पूरा डोल कट लिया, डोल कट कट के अब क्या बन गया 100 रुपए का? बत्ती बन गई ना। बत्ती? हाँ हेलो। हाँ हाँ बत्ती बन गई। और 100 की बत्ती। अच्छा बत्ती 100। अरे वाह। 3200। अरे वाह 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 वाह, वेरी नाइस। समझ गया तुझे, 32 बन गए बन गए। जैसा मैंने तुझे बनाया वैसे ही आप भी कॉपी करी निकली स्टार्ट और नौ दबाए और लोगों को 3200 बनाए। अब हो गए पागल तो बस काफी है। हेलो हेलो कौन? हाय हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडी। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। सॉरी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं हेलो मेरी बात। डोंट इरिटेट मी प्लीज, टेल मी। आई डिड नीड इट। मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी मानेगी। बुढ़ा माने, लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे लड़की ने, बर्बाद हो जाती है। अच्छा मैं तेरे साथ क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग जाएंगे, उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागवत जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल गया है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन लगा अपना। मेरी बात सुनिए आप। अरे का हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा, तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ अभी तो पूछ रहा है। एक सेकंड, घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अरे यार तू मेरे को बीच में आप एक फोन काटे फोन। अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट चुके हैं। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम। सलाम यार, कुछ कैसे बोल रहे? पर्सनल मैटर, तू मदद कर सकते अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो जी, आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल, अबे तू पागल हो? पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बच जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोलिया। गंदगी क्या बात है, तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दी जाए, मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है? आपकी अगर शादी होगी तो आप अब्दुल्ला जी को इन्वाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इन्वाइट करूँ? हाँ। तो
आप जी एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे और बेगानी शादी में अब्दुल्ला गंदा बोलिया अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाने हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बड़ा बेगैरत लड़का, इतना कुछ बोल फातिमा से निकाह कर ले जिंदगी सवर जाएगी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। मैं बहुआ बोल, एक सेकंड अब्दुल्ला जी। फातिमा, कविता जी कह रही थी रौनक सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इसमें बहुआ से कुछ करवाओ, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। समझा नहीं, मैं कह रहा था आपसे। मियाओ। हेलो, एक दरवाजे पे कोई है, एक सेकंड। मियाओ। अच्छा बिल्ली कौन है, तू कौन है भाई, क्या है लगा रहा है? मैं बहुआ बोल रही हूँ, मेरे घर बिल्ली आई है। मियाओ। अच्छा आओ अदा तो हुई। हाँ, कितना आएगी? अच्छा बिल्ली बैठ गया, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरे को हज पे जाना हूँ। अच्छा हज पे जाना है? अच्छा तो मेरे से कम देती है, मैं बहुआ। मेरे को 100 चूहे खाने हैं। 100 चूहे खा के जाओगी? मैं 99 चूहे खा चुकी हूँ। अच्छा अब एक ही खाना है। अच्छा, आप मदद कराओ। हेलो, नहीं बिल्ली सुनिए, आप देखिए अब आप मदद करिए, देखिए एक चूहा इसको दीजिए, इसको जाना हज पे, 100 पूरे हो जाएंगे इसके चूहे। मैं कहाँ से लाके दूँ? ठीक है, आप पहले चूहा मत पकड़िए, अगर आपके पास डाई है डाई तो वो दे दीजिए, मैं चूहा पकड़ दे लूँगा। डाई ये बालों में लगाने वाली? नहीं यार, एक सेकंड, ये रौनक। हाँ बुआ। बोलिए। आज भाई वो राई बोल रहा है। एक मिनट भाई, आप कौन बोल रहे हो? ए तू जा, तेरा काम हो गया। ओके ठीक। अब तो क्या है ये, अभी कौन था ये बीच में जो आया था बोलने? हाँ जी, नहीं आप राई दीजिए, चूहा पकड़ लूंगा राई। अच्छा राई, राई का क्या करेगा? अच्छा तू ये बता, राई से पहाड़ बनाऊंगा, खोदूंगा पहाड़, क्योंकि खोदा पहाड़ निकले चूहा, चूहा बिल्ली को दूंगा, बिल्ली खा के जाएगा हज को। हेलो, बिल्ली बोल रही है, बीच में बंदा आ रहा था, तुम मेरे को बताएगा? नहीं वो सब छोड़िए, मैं बहुआ बोल रही हूँ। मैं मियाऊ। अरे थप्पड़ मारूंगा, एक में बिल्ली आएगी, बिल्ली को थप्पड़। हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकिल जी, किसको बोल रहे? आपको से एक मिनट बात करनी थी। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा, तो हमारी तरफ से हम कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे। ओके। और उनको ये बताएंगे कि आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए जी, उनके दोस्तों के लिए हाँ, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, और गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, और और किसके लिए? औकात में रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी औकात, तो मध्य के मारूंगा तेरे को। सॉरी, काम की बात कर सिर्फ। मैं भाई बोला अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। अगले साल पूरे साल भर में मिला के, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 11-12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है, हर साल ही 12 महीने होते हैं। एक सेकंड, 26 जनवरी को परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? एक सेकेंड, गांधी जयंती नहीं थी, मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? नहीं नहीं, फिर क्या था? दो, अरे आप काम करो, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो। गांधी जयंती नहीं थी ना? मैं आपको, अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे क्या था सत्संग गया था ना, सत्संग पड़ जी लेके। चार तारीख को गाय तुंडे आया डंडा लेके उसके घर पे, तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बहुए बोलो। बहुए नहीं, बहुए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बहुआ। अकेले ही हो? अकेली हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वो हाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन? क्यों रो रहा है, क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया।
अबे ओ पये तेरी दे दूंगा तेरी कुर्सी का, जल्दी बोल क्या बोल। सॉरी गंदा मत बोल, मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया, अच्छा 50 गोलगप्पे खा लिए, अच्छा फिर बोलती और खाऊं, मैंने कहा नागिन खा ले, अच्छा छोड़ के चली गई। अबे तेरी साले नागिन कहेगा छोड़ के ले जाएगी? क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला मैंने, बोला नागिन, काउंट मत कर। सॉरी दूसरी गर्लफ्रेंड बताया क्यों चली गई? क्यों? कहती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया। तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? एक दिन मैंने उसको फोन किया, बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था, छोड़ के गई वो भी? वो भी गंदा बोल रहे क्या? बोलू और क्या बोलू, तू दुखी लग रहा है, अंदर से तकलीफ है तेरे को, क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता? अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। ओह फिर चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है यार। नहीं पास नहीं करना। ऐसी आ रही है, आ जा दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अब गम गलत नहीं कर रख दे, तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी। ठीक है ओके जी ओके बाय। हेलो। हेलो कौन जी? मैं बउआ बोल रही हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ कौन, बात किससे करनी है? आपसे करनी, दो सेकंड बस, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दी। अच्छा मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना प्याज, अच्छा तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा, अच्छा जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोलो, आप काम कर रहा हूँ। सॉरी आप कॉल नहीं आने चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, एक सेकंड। प्याज जो है अपने शादी में प्याज ने 5,000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गए तेरी बकवास, नहीं काट दूंगा फोन। फोन नहीं, एक सेकंड। प्याज का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुरा ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता भी नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया, 5,000 बच गए। जूता लगे तेरे में डालना है। सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहता क्या? मैं प्याज की अनकही अनसुनी बातें बचा दूंगा, फोन काट दे। काम कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक बक, प्याज को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है? मतलब? अच्छा मतलब कि प्याज कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं मैं बउआ हूँ। अबे चल चल, एक सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्याज एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना, नहीं मिले, एक सेकंड। ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। भाई बहनों को अपनी मिले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकित, सॉरी मैं जान दो प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, जानना है। नहीं, नहीं, एक सेकंड, प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ मिस्टर चुपके, कैसे पता है? नहीं पता रहा ना, एक सेकंड, क्योंकि प्यार हुआ तक धूम धूम चुपके से, तक धूम धूम तेरी तक धूम धूम को गंदा बोलिए, प्यार दे जाऊँ मैं, फोन काट दिया। हेलो। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को, कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। अबे तो आवाज से भी कैसे हो? अरे सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई? बोल क्या कहा? बोल मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना। हेलो सॉरी भाई साहब, एक मिनट। हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से। फिर मेरे को अंकल बोल रहा? सॉरी यार, आप फोन काट रहे ना इसलिए, एक सेकंड रुकिए ना, पेट में चूहे दौड़ रहे यार मेरे। तो मैं क्या करूँ, खाना खा ले? खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं। तो मेरा तो घिनौना। क्या तू? क्या तू घिनौना?
मुँह पे। एक सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे, एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस एक मिनट में बताऊंगा भाई मेरे पेट में। एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड बस। पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप ढाई लो। ढाई सर में लगाने वाली ढाई कह रहे हैं? ढाई नहीं भाई, ढाई ढाई, टू एंड हाफ, टू एंड हाफ। अरे वो जीरा और ढाई होता है ना जो मसाले में पड़ता है। अच्छा राई। हाँ मैं ढ को ढ बोलता हूँ, सॉरी भाई साहब, सॉरी। मैं कह रहा हूँ एक ढाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए राई? एक सेकंड, हाँ पूरा सुन लो। ढाई लो, ढाई का पहाड़ बना दो, पहाड़ को खोद डालो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, पकड़ लो, बात खत्म। अबे तो और कुछ काम नहीं, हंसी आई कि नहीं, अच्छा आइडिया है कि नहीं, बताओ। नहीं आई मेरे को अजी फोन का। डाई डाई, ठीक है डाई, टू एंड हाफ गले। हेलो 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 हेलो, अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? दीवार बंद है तेरी? एक दिन वापस लगा दो, इसमें भी बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है क्या सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? देखू पे कागल है, गबा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गबा है क्या? देखू पे, अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे पास बोल रहा है, सीधे मार रहा है, फोन काट। अरे फोन काट दे, मैं तेरी ना मैं तेरी, समझ गया? फोन काट। बोल रहे चीची, बोल रहे बजाते रहोगी, नमस्ते। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंकिल जी नमस्ते। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। बउआ भाई, कौन बउआ? तो एक मिनट चाहिए था, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब। हाँ जी बोलो, बोलो। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो जी। मैं कह रहा था मेरे एक दोस्त है। हाँ जी, सुधाकर नाम है उसका। अरे ठीक है, तो बोलोगे भी? उसने ना इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट कटाया था 4 तारीख इंग्लैंड में जो है। हाँ जी। तो टिकट तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। हाँ जी। लेकिन 4 तारीख को उसकी शादी भी है। अबे जब शादी थी तो टिकट क्यों कटाया उसने? नहीं, शादी बाद में तय हुई है, टिकट पहले कटा लिया था। हेलो, तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, सुधाकर का भी टेंशन चल रहा है ना, वो ही समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ अरेंजमेंट सब कुछ हो रखा है, यहाँ शादी का भी है, तो अब टिकट भेज जाएगा। अबे तो फिर मैं क्या करूं? तो मुझे ये बता, मैं करूं क्या? नहीं तो करना यही है कि 4 को उसकी शादी है ना। अबे तो शादी उसकी है, ठीक है, मैच उसे देख रहा, मैं टिकट लेके क्या करूंगा? टिकट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, टिकट के लिए थोड़ी तो चलो ठीक है, नहीं ले रहा, फिर क्या करूं मैं? उसकी जगह अगर आप शादी कर लो तो वो जा सकता है आराम से मैच देखने। अबे ठीक है, और काम नहीं है क्या तेरे को? ऐसी छूट गई आपकी? नहीं, तेरे को लगा मैं इंग्लैंड का टिकट तेरे को दे रहा हूँ। भैया तेरी आवाज से लग रहा है तू DTC का टिकट नहीं लेता है, है नहीं? अबे ए, मदद करेगा सुधाकर की या नहीं? अबे सुधाकर की मत बोल कुछ, सुधाकर को क्या? सुधाकर को कुछ मत बोलना, तेरे में दम नहीं है। अबे सुधाकर सुधाकर की, ठीक है, अगली बार अगर तूने सुधाकर को बोला ना, मैं बोल रहा हूँ अब तेरे में हिम्मत नहीं है। अबे सुधाकर की, बड़ा फोन रख। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ जी, हेलो, क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, एक सेकंड। इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। भाई शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं नहीं हुई।
शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊँ कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को, नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ, देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है, मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। ए सॉरी, तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे, इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? इमेजिन भी कर रहे हैं, ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया, और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका, और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा है? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की, और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया, आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है, हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़ उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा, और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट, आप वापस गलत नहीं, शट अप, आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते, कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, मैं कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं कौन, चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले से? एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड, नहीं बता, मैं बता रहा हूँ, और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो, क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी, ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा, है कि नहीं? साले तेरी जान के वहीं ऐसी तोड़ूंगा, क्या ना तू? मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल के। पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बहुआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल, दिख रहा हूँ अंकल, दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गए अभी भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रिसे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बहुआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक बोल, एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए, कनेक्शन कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी रेफरेंस डाल देगा तो। सुनिए, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई,
भी मंजुली का कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा, उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बताइए से मेरा क्या लेना देना, मंजुली का अनुराग अनुराग सरला फरला को है। और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ, हाँ, वो रविंदर भी गलत नहीं, गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना, वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरिला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में। हेलो हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? देख मैं, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ, मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है, और पानी निकालना भूल जाते हैं, इसके वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बता, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या बात है, क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना बना, आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता, और खाली दिमाग था इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का, और इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मतलब। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई? हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? मैं देखो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी है नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी है कि सीन सेट है ना तेरा, फुल सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, दारू वारू फुल सेट है अपनी, खम्बा ले लेंगे पूरा अपना, खम्बा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए, कपड़े कुपड़े जूते उत्ते ले लिए, टोपी उपी ले ली। अरे लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा, ऑटो से जाएगा, कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम, कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है, बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो, और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूँ? अरे भाभी जी बोल ले, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा, तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे, आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो कौन चलाएगी? अच्छा, तो वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बात कर रहा तू, बावड़ा आराम से आएंगे, एक बजे आएंगे अपना पार्टी करके। पार्टी कर, तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं आप ही चलाएंगे, जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इससे इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी, पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया, मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। तुम्हारी मदद मत कर। नहीं नहीं एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो, वन वन जीरो जीरो टू। अरे क्या है, क्या ये भाई साहब? ये एम्बुलेंस का नंबर है, 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई, मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं, तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ। आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस।
अरे पढ़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है, इस हैप्पी न्यू ईयर डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोल। हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकिल जी, किसको बोल रहे? आपको से एक मिनट बात करनी थी। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी तरफ से हम कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे। ओके। और उनको ये बताएंगे कि आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए जी, उनके दोस्तों के लिए हाँ, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए और और किसके लिए? औकात में रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मध्य आके मारूंगा तेरे को। सॉरी, काम की बात कर सिर्फ। मैं भाई बोला अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए अगले साल पूरे साल भर में मिला के जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 11-12 महीने होंगे भाई अगले साल। तो इसमें नया क्या है, हर साल ही 12 महीने होते हैं। एक सेकंड 26 जनवरी को परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? एक सेकेंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए। मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों। मैं अभी एक मैं पागल पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो मेरी बात सुन, इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए हाँ जी, वो दो पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है ना, वहीं आके ना फाड़ दूंगा फोन नहीं रखा। दो मिनट फोन रख। गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान। हाँ क्या कह रहे हैं? मेरे गांव में अगले साल बांस के चार पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे, और वो चारों पेड़ ना घुसेड़ दूंगा, फाड़ निकाल दूंगा। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं? 93.5 FM। हेलो हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो, हाँ मैं कह रहा था, क्या नया साल आने वाला है? हाँ तो पुराना जाने वाला है। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बता रहा था, क्या कि आपको और आपके पूरे क्या पूरे मतलब मैं बोलता अरे पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से क्या आने वाले अरे बोल ले भाई आगे हो एक सेकंड, आने वाले नव वर्ष की सुख शांति, सुख शांति, समृद्धि, अच्छेपन। अरे ले यार एक सेकंड, मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तेरी मारूंगा 4-4 समझ में आ गई ड्रामे क्या नहीं, मैं काम गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत बोल रहे, और तू सही बोल रहा है जैसे भे काम धंधे होते तेरी तरह। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया, साले कटाने के तेरे काट दूंगा समझ में आ गई। पूरे 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 पे ये पूरे अपने पूरे पूरे पारे मोड़ के अपने में डाल ले, खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लो बजाते रंगीला मजे।
आपके पूरे सॉरी। हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना, मैं उसका वहीं नोएडा में रहता है, काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पंजी गए थे सत्संग के लिए, आज देखो। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे, उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा, 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी, तो मैं आगे तो मेरी मर्जी सुनना। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना, दे रही है डंडा। गलत बोल रहे आप, फोन काट। अरे एक सेकंड, अबे क्यों दिमाग कर रही यार तू, हो गया भाई गलत। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, कौन की बात कर रहा? हाँ जी क्या बोल रहा हूँ, कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश, फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं नहीं, फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे क्या था सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेके। मैं और 3 तारीख को वापस, 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बउए बोलो। बउए नहीं, बउए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बउआ। अकेले ही हो? अकेली हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वहाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया। अबे ओ पहिये, तेरी कुर्सी का जल्दी बोल, क्या बोल? सॉरी गंदा मत बोल, मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा। 50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा। फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा। छोड़ के चली गई। अबे तेरी खा ले, नागिन कहेगा छोड़ के जाएगी। क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला मैंने, बोला नागिन, काउंट मत कर। सॉरी, दूसरी गर्लफ्रेंड बताया क्यों चली गई? क्यों? कहती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा। एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया। तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? एक दिन मैंने उसको फोन किया, बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा। मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था। छोड़ के गई वो भी? वो भी गंदा बोल रहे, क्या बोलूं और क्या बोलूं? तू दुखी लग रहा है, अंदर से तकलीफ है तेरे को, क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता? अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा। तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी। तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। ओह पीड़ो चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है यार। नहीं पास नहीं करना ऐसी आदमी है, आ जा दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अबे गम गलत नहीं के रख दे फोन। करो तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी, ठीक है? ओके जी, ओके बाय। हेलो। हेलो कौन जी? मैं बउआ बोल रही हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ कौन, बात किससे करनी है? आपसे करनी, 2 सेकंड बस।
मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना, प्याज। अच्छा, तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा, प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा। अच्छा, जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोलो। आप काम कर रहा हूँ। सौजी, आप कॉल नहीं आने चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, एक सेकंड। प्याज जो है, अपने शादी में प्याज ने 5,000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास। नहीं, फोन नहीं, एक सेकंड। प्याज का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुरा ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता भी नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया। 5,000 बच गए। जूता लगे तेरे डालना सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहता क्या? मैं प्याज की अनकही अनसुनी बातें बचा दूंगा। फोन काट दे। काम कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा, बक बक, प्याज को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब? अच्छा, मतलब कि प्याज कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं, मैं बउआ हूँ। अबे चल चल, एक सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्याज एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना। नहीं मिले, एक सेकंड। ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी मिले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करना, यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकल, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो, भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, उतना जानना है। नहीं, एक सेकंड, प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ, मिस्टर चुपके। कैसे पता है? नहीं पता रहा है। एक सेकंड, क्योंकि प्यार हुआ तक धूम धूम चुपके से, तक धूम धूम तेरी तक धूम धूम को गंदा बोलिए, प्यार दे दो मैं, फोन काट दिया। हेलो, हेलो, ए सॉरी। तो देखो, आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे, इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? इमेजिन भी कर रहे हैं, ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो फोटो। इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा है? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की, और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है, हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा, और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस गलत नहीं, शट अप, आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो, हेलो, मैं कौन है? हेलो, काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो, हेलो, मैं कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं पागल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले से? एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा,
समझ गया ना। सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड, नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है अच्छा। उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी, ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे भी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रिसे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बहुआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस तू। तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बताइए इससे मेरा क्या लेना देना, मंजुलिका अनुराग अनुराग सरला सरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ, वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहे हो, तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ, किसी की भी। सॉरी सॉरी सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी, 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं। बस अब बताओ नैना सिंह किसकी बेटी है? मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी है। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी, सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बहुआ लिखते हैं हम। अच्छा। मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? एके अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है, कह रहे तो फिर बहुआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहा है सर। बेटा पापा से बात कर रहा हूँ। पापा से ही बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ जरा मैं। अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी। खुद भी हंस रहा है। 2 मिनट की मदद चाहिए। बोल जल्दी जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंभा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को?
नहीं नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए भाई। मैं खम्बा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ गंदा बोल रहा है। क्या गंदा, तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खम्बा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खम्बा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगी या नहीं। कर पाएंगी, किसी को, किसको बुलाया तूने? एक मिनट, बेल बज रहा है, टिंग टोंग। हाँ आ जाओ, आ जाओ, अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो, हेलो, कौन है भाई? म्याओ, वापस बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली, हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी? खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा मैं। बिल्ली, एक सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जा जागे। एक सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवी नगर से हूँ। मालवी नगर? अरे क्या हिली, वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस, दिमाग खा रही है यार। फोन भैया जल्दी, खम्बा कैसे निकलेगा? हेलो, खम्बा अपने, मैं समझ गया अपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे, खम्बा अपने? मैं जा रही हूँ, और काम है। अच्छा ठीक, कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है, खूबसूरत बोल के थूक रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच है। तो सच कड़वा होता है, पागल है तू? तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। क्या चीनी, आदमी आदमी का दुश्मन है, आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ, आठू मैं भी तो लड़का हूँ, पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। तेरी है, कंजा बोल रहा है, हट। हेलो, तू चाहता क्या? चाहता आप फोन काटे, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आठू। तू चाहता क्या? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। गंदी बात, गंदा थूक में डूब के मरना नहीं मुझे, आठू। और क्या? चुप रहो, इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, आठू। भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी, इस पे सुनते हैं। हाँ जी, एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड किम कराई हो, पीले वाली? बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है? तो, हाँ मेरी तो सही आ रही है, मैं फेशियल कटवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन कटवा। एक सेकंड यार, आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कट रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा, इस पे क्यों कट रहे तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? किसे? इसे, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। फोन टिंग टोंग। एक सेकंड, घंटी। वहाँ कौन भैया? आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर? परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है अंकल। क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड। इसे फाट खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं, जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ तो है, क्या ये? किस, एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड, क्या, क्या, क्या लिखा है कुछ? इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। हेलो, इसे कहते हैं? हेलो, हेलो, सुरभि बोल रही हूँ। उनसे गंदा किसको बोल रहे हैं आप? मैडम गंदा नहीं बोल रहा, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था, प्लान। हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें?
लड़का और लड़की बात करेंगे। गंदा बोलता आदमी। अरे वो निकल गया यार, निकल गया। एक सेकंड रुको, आप तो हाँ बोलो, चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है? हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा, इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए? लड़का बताएगा, लड़का। हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप अंजलि कॉल करके कह रही थी, रौनक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बहुआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुसी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुसी साड़े नाल कुड़ी भी है अपनी? ना हो जे नहीं, नी मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ। अच्छा, बड़ी दुखी है। बोल बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड दुखी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना रही, एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर, कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते। गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा फोन में बैठ के मैं, तुम्हारा फोन ना करिए। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन? और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आंदे ने, देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। छे नहीं बड़े चेते आंदे ने, छे छे नहीं चेते। मेरी आएगी तेरी साथ। दिमाग खाली, दिमाग खा पाजी, चंगी गल नहीं कट रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्योरे गोली मार दे, खानदान फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गे? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी, मैं तू अपनी पाजी रख दे। हाँ जी दफा।